बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यदि कि फार्मिंग आपको खुश आमदीद कहते हैं, आज हम आपके सामने एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुए हैं। उम्मीद है सब भाई हैरियत से होंगे। तो आज हम बकरियों के बारे में मालूमात लेंगे अंकल से, या अंकल हमारे पास हैं अंकल, तो इनसे जो भी बात पूछनी है हम पूछेंगे। तो इंशाल्लाह आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी हमारी, तो वीडियो हमारी लाजमी पूरी देखा करें ताकि सारी मुकम्मल बात जो है ना आपको समझ आ जाए। तो अंकल से पूछेंगे, पहाड़ी में बात करेंगे, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद हमारी वीडियोस तो आप तक पहुंचती रहें। अच्छा दसो, कितना अरसा है बकरियां रखे हैं? बकरियां रखे हैं मैं पहले तो बहुत अरसा रखी है, उन कार जिला में मुड़ी हैं 10-12 साल हो गए रखी हैं। अच्छा हाँ, 10-12 साल हो गए। 10-12 सही है। तो एक गुजारा चलानी है अपना? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह, अल्लाह ने शुक्र है, सही हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तो इन्हें दसो ने नस्ल केड़ी है इन्हानी? नस्ल है डग बीतलान। डग बीतलान, हाँ सही है। तो ये एवरेज जरा एक बारी कितने एक बच्चे देखे होने ने? ये बच्चे दो देनी, लेकिन जो सोया तो बाद 2-3 महीने बच्चे दूध पिलानी, उसके बाद रल जानी। अच्छा, 2 महीने पिलानियाँ रलिया हुआ। सही है, अपना दूधा ने कोटा पूरा करी। सही है। तो इन्हें वैसे हूँ जिस सर्दियों ना सीजन अच्छा पाया, तो इन्होंने क्या खुराक है, क्या कोई खिलाने पिलाने उन्हें? इन्हें दाने छोने कोई 2-3 गोलियां जमानियाँ। सही हो गया। कोई सर्दियाँ आ गया रेवड़ी बंडा। सही है, फिर ठीक रहनी। और दाने छाने के खिलाने उन्हें? मकई ने के गंदम ने? मकई तो पकाई दे। हाँ सही है, माशाल्लाह जी, देख लें बहुत ज़बरदस्त चीज़ें। और आज आपको मुकम्मल इनकी मालूमात देंगे। तो ईदी इस तरह तुम क्या करने हो, कोई बकरा शकरा की इंदा तैयार करने हो कि अपना बकरा होना? ना ना, मैं अपना हो जाएगा बच्चा है ना के तैयार हो जाए ईदी तक। अच्छा, ये छोटा बच्चा? अपनी अपनी कुर्बानी देना। सही है, माशाल्लाह, ज़बरदस्त चीज़ हैं जी। ये नॉर्मल जी बकरी है ये डग बीतल है, इस ना वैसे ये नॉर्मल बाजार से क्या कीमत चलनी भी इसनी? नॉर्मल टू नॉर्मल भी इसने 35,000 कीमत है। सही है, 35,000। सही है, ज़बरदस्त चीज़ है। असल चीज़ चंगी रखनी चाहिए, बंदा शौक हुआ या जो भी मामला हुआ, एक खुली जगह है, हूँ घास नहीं कटाई ना, कम खत्म हो गया ना। तो सही है, सही है। अच्छा तो नहीं फाजदी टीके ना क्या कोई करने हो डॉक्टर ने? कितने तो फाजदी टीके लगवाने पड़ने ना? ये साल च कितनी बारी तकरीबन? तकरीबन साल एक दफ़ा। एक दफ़ा? ये 2-3 दफ़ा लवाने के बंदे? ये 2-3 दफ़ा लवाने, वो जड़े जे पिसवाने अलग होने चमड़े लवाने पेने। हाँ, जड़े जे पिसू पेने या मैं कहना है उसी क्या कहने उसकी चेचड़ा। चेचड़ा, बिल्कुल चेचड़ा हो जाना ना, उसने टिका लवाना पेना अलग तो। हाँ अलग, सही है, चमड़े लवाना पेना चमड़े। तो और जड़े है एक मुँह पक्की जाना या जानवर नज़ला जुकाम हो जाए, मुँह पकड़ने पर केड़ी कोई दवाई होनी है? मुँह पकड़ने दवाई है बनी है भाई, गर्म सजी ने फूबू दियो वो बिल्कुल फिट हो जानी। ये देसी टोटका है, यानी देसी टोटका सजी जी चूल्हे से संभालने ये उस मुँह पर गर्म पानी एकदम मुँह बीच डुबो छोड़ो, डुबो छोड़ो तो आराम आ जाना, क्योंकि एलर्जी थी पकना। सही है, सही सही। तो नज़ले जुकाम पर मसलन है हूँ सर्दी नहीं पी डर नज़ला जुकाम हो जाना? मैं उसमें कोई मामूली इलाज है, गोलियां पहना चल दो दे छोड़ो बस नज़ला खत्म। राती रात ने टाइम? आहो रात ने टाइम। सही हो गया, ज़बरदस्त हो गया। तो अच्छा असें ये गल दसो ना कि लोग आने जी कि ऐसा मेहनत मजदूरी कोई लोग करने, ठीक है, तो आने बकरियां पालना एक ऐसा काम है, यानी एक बंदा मेहनत मजदूरी छोड़ी दे अपना अगर बकरियां पालना शुरू करा बड़े पैमाने पर, ठीक है, मतियां सारियां रखे है, तो क्या कुछ बने उसने बारे से कितना एक मुनाफा हो सकना? बकरियां पालियां चाहिए, लेकिन उसने ये बनाया कि
बकरी ने नवीयत देखनी पैनी। ठीक है, ये सर्द नस्ल है या ये गर्मियाश वाली है? जड़ी है ना सिंधी, वो गर्मियाश नस्ल है। जग बीतल जड़िया इन्हें मामूली कुछ बारिश पई है या कोई ठंड हुई है ज्यादा इन्हें नजर लगी है। अच्छा, यानी एहसास होने बीतल वगैरह? हाँ ठीक है, नाजुक जिसे आने इन्होंने देखभाल करनी पैनी, लाजमी करनी पैनी, बिल्कुल इन्हें खास ख्याल रखना पड़ा। सही है, तो इन्हें इठे दूध कितना एक होना के बच्चा पली जाना सही से? बच्चे अपने पाली नहीं, बच्चे अपने बेहतरीन पाली किन्नी है। सही है, जबरदस्त सही है। चलो जी, काफ़ी मालूम दी है, फिर से मुलाकात होगी। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मजीद हमारी जो वीडियोस हैं ना आप तक पहुंचती रहें। और आप सब भाइयों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।